हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, फिर से आ चुका हूँ मैं अपनी चहेती सुपर मीटियोर के पास, और आप देख सकते हो यहाँ पे लगे हुए हैं ये पैनियर बॉक्स। तो मेरे कुछ भाइयों के चेहरे पे तो मुस्कुराहट पहले ही आ गई होगी, कुछ तो करने वाले हैं। तो आज हमने सोचा कि सुपर मीटियोर 650 के तो सारे बंदों को खुश कर दिया है, बट 350 वाले भाइयों के लिए भी कुछ तो बनता है। तो आज करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि अब पैनियर बॉक्सेस यार बड़े लिमिटेड हैं, इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं। तो आज हम करने वाले हैं ये कि इसमें से उतारेंगे ये पैनियर बॉक्सेस और आपको लगा के दिखाऊंगा मीटियोर 350 में। तो जितने लोगों की मुझसे शिकायत थी कि नितिन भैया मीटियोर 350 में नहीं दिखाया है, आज के इस वीडियो में सबकी शिकायत दूर कर दूंगा। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से उनका बहुत बहुत दिल से आभार। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, हमारे साथ आ चुके हैं शम्मी जी, और ये रॉयल एनफील्ड के ही टेक्नीशियन है ऑटो नेशन गुड़गांव पे। तो आज ये करके दिखाएंगे हमें इंस्टॉल। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस पैनियर बॉक्स को उतारने के लिए सिर्फ चार बोल्ट खोलने हैं, 1, 2, 3 और ये नीचे 4। ये चार बोल्ट खोलते ही ये पैनियर बॉक्स पूरा नीचे आ जाएगा, और इसके बाद फिर हम इसको लगाएंगे इस मीटियोर 350 में। यहाँ देख सकते हैं आप मेरे पास, ये देखिए एक चमचमाती मीटियोर 350 लगी है। तो इस पे लगाएंगे और पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, और जो लोगों ने इससे पहले प्रोसेस नहीं देखा है इसके जस्ट पहले वाला एक वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें बोल्ट बाय बोल्ट ये बॉक्स कैसे इंस्टॉल होता है वो मैंने उसमें दिखाया हुआ है। तो आओ फटाफट बिना देरी के खोलते हैं इस पैनियर को, अलग करते हैं और फिर दिखाते हैं आगे का कार्यक्रम। ये देखिए यहाँ पे ऊपर से खुलने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और अब यहाँ पे जो है ये देखिए, हाँ ये देखिए यहाँ पे पहला बोल्ट खुल रहा है, पहला बोल्ट, दूसरा बोल्ट, तीसरा बोल्ट, चौथा बोल्ट, ये चार बोल्ट खुलेंगे और उसके बाद ये प्रोसेस बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो जाने वाला है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक बार ये चारों बोल्ट खोल लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए अब तीसरा बोल्ट भी हमने खोल दिया है, जिसके अंदर से ये स्पेसर निकलता था ना, ये देखो ये रहा स्पेसर। ये स्पेसर मैंने कहा था ना कि आपके काम आएगा आगे, तो अभी आओ चलो आगे चलते हैं, दिखाऊंगा आपको वहाँ पे ये स्पेसर कहाँ लगेगा। और अब जैसे ही ये देखिए, जैसे ही आपने ये चौथा बोल्ट खोलना है ना, वैसे ही ये तुरंत के तुरंत ये देखिए ये एलंकी, ओ सॉरी, ये बोल्ट खोलते ही ये देखिए आपका पैनियर जो है वो बिल्कुल बाहर आ गया है। तो ये देखिए अब ये बोल्ट निकल गया, ये देखिए पैनियर आ चुका है बाहर। अब आओ चलते हैं मीटियोर 350 की तरफ, और वहाँ करते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम शुरू। गाड़ी के प्री रिक्विजिट्स हमने रेडी कर लिए हैं, थोड़ा पास में आओ तो दिखाते हैं। यहाँ पे होता है एक साड़ी गार्ड, जो कि आपको जैसे आपने देखा था हमने सुपर मीटियोर में भी हटाया था, तो यहाँ से आपको ये साड़ी गार्ड रिमूव करना है। उसके बाद आप इस साइड आ जाओ, इस साइड गाड़ी के अगर आप प्री रिक्विजिट्स में देखो तो आपको कुछ भी रिमूव नहीं करना है, एज इट इज़ रहेगी, बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे हम बुलाते हैं शम्मी भाई को, शम्मी भाई आ जाओ फटाफट और अपना काम स्टार्ट करो। अब देखो, आपको याद हो मैंने आपको वीडियो में पिछले वाले बताया था कि ये पत्ती दिख रही है आपको, ये पत्ती आपको 350 में काम आएगी। रखना कि इस पत्ती में जो ये राइट और लेफ्ट लिखा हुआ है, आर और एल लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को भूलना मत। तो पहले देते हैं ये पत्ती शम्मी को, और देखो अब ये पत्ती कसेगी कैसे, ये देखो ये कसेगी ऐसे है कि आपको ये साइलेंसर का ये बोल्ट खोलना है यहाँ से, ये देखिए, और हल्का सा इसको पीछे वाला बोल्ट खोल के और इसके ऊपर आपको यहाँ पे इस पत्ती को कसना है, ये देखिए। तो अब इस पत्ती को हम लोग सब कुछ प्रॉपरली टाइट करेंगे, तो ये देखिए, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पत्ती जो है ये डबल, ये देखिए यहाँ पे ये पत्ती लगेगी अब, और इसको अब आपको यहाँ पे साइलेंसर पे पीछे की तरफ टाइट करना है। तो याद रखिएगा आगे की तरफ नहीं, ये पत्ती इसके पीछे की तरफ टाइट होगी। तो दिखा देता हूँ आपको, ठीक से देख लीजिए,
ये पत्ती यहाँ पे पीछे की तरफ टाइट है। अब एक और चेंज है यहाँ पे कि ये आपने देखे थे, आपको याद है ना, ये आपके इसमें नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे आपको ये खोल लेने हैं यहाँ से और इस पे डायरेक्ट वो बोल्ट्स वापस कस देने हैं जो उसके ऊपर कसे थे। इसके बाद ये वही स्पेसर है जो हमने पिछली बार यहाँ डाला था, ये देखिए इसी तरीके से ये स्पेसर यहाँ पे जाएगा। और ये देखिए दिस स्पेसर विल गो अवे डायरेक्टली लाइक दिस, और ये देखिए यहाँ पे ये लग जाएगा। इसमें अगेन अंदर पीछे की तरफ बोल्ट आपको लगा के कसना पड़ेगा। और ये देखिए अभी इसको कस रहे हैं, मैं थोड़ा सा असिस्ट कर देता हूँ क्योंकि वेट होता है काफ़ी। तो ये देखिए ऐसा नहीं है, ये बोल्ट बिल्कुल लूज़ रखे हैं। और दूसरा ये देखिए इस पत्ती के ऊपर इस तरीके से कस दिया है। तो इधर पास में आओ, थोड़ा सा सेटअप दिखा देता हूँ। ये पत्ती पीछे से इस तरीके से लग के और इस तरीके से ये आगे आएगी। अभी पूरे टाइट मत करना, अब आओ दिखाता हूँ कि क्या करना है आपको पीछे। ये देखो अब यहाँ पे पीछे आपको ये करना है कि ये आपको अपने इंडिकेटर के हिसाब से इस बॉक्स को यहाँ पर एडजस्ट करना है। ये देखिए तो जहाँ पर आपका इंडिकेटर है वहाँ पर आप इस बॉक्स को पहले एडजस्ट कीजिए और उसके बाद अब जो है पत्तियों को टाइट करेंगे। तो आओ अब पत्तियों को टाइट करते हैं और आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये देखो अब यहाँ पे नीचे से हमने लगा दिया है इसमें, और अब इसमें पत्तियों को टाइट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पे ये बोल्ट जो हैं ये बहुत अच्छे से अब कसे जा रहे हैं। बोल्ट्स को टाइट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर बोल्ट ढीले रह जाएंगे तो बॉक्स में वाइब्रेशन आएगा और या फिर इस बॉक्स के साथ कोई और दिक्कत भी आ सकती है। अब इसके बाद ये देखिए ये नीचे साइलेंसर का बोल्ट है, इसको भी उतनी ही शिद्दत से कसा जाएगा। अब एक बार जब ये सारे बोल्ट्स टाइट हो जाएंगे ना, तब आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये बॉक्स कितना टाइट हो जाता है और इसमें छोटा मोटा मॉडिफिकेशन भी हमें करना पड़ेगा, क्या है वो बताता हूँ। बॉक्स फिट हो चुका है, आप कुछ भी कर लो इसको हिला नहीं सकते, ना कहीं ये हिल के जाएगा। लेकिन इधर आओ, एक पास में आओ, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ इधर आओ, इस साइड आओ, यहाँ से आपको सिर्फ एक पत्ती बनवानी पड़ेगी, यहाँ से लेके जो इस बोल्ट से लेके और इस नीचे वाले बोल्ट तक सीधी अंदर चली जाएगी। ये बिल्कुल स्ट्रेट पत्ती है। अगर आप इस एक पत्ती को और बनवा लोगे ना तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। हालांकि ये इतना मज़बूत है कि ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जस्ट टू ऐड एडिशनल स्ट्रेंथ टू इट, एक पत्ती अगर आप यहाँ से लेके और यहाँ तक की एक सीधी पत्ती बनवा के ऐसी यहाँ से नीचे तक की एक पत्ती बना के इसमें लगा दोगे, देन इट इज़ कम्प्लीटली इनविंसिबल। अब आओ चलते हैं इस साइड और इधर की साइड में दिखाता हूँ कि कैसे काम होने वाला। अगेन ये पत्ती सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे लगेगी। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पे भी ये पत्ती उसी तरीके से ये कसी जाएगी। और अभी इसको टाइट नहीं किया है हमने, अभी सिर्फ इसके ऊपर रख रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा बस इतना हो कर रहे हैं कि होल्ड हो जाए, उसके बाद फिर इसको कम्प्लीटली टाइटन करेंगे। तो ये देखिए, आप देखिए इस तरीके से जब आप इसको टाइट कर देंगे तो ये काफ़ी होल्ड करने वाली और बहुत मजबूत पत्ती आपकी ये रेडी हो जाएगी। ये देखिए, तो ये इस तरीके से आपको ये एक पत्ती रखनी है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, अगेन इट इज़ द सेम थ्योरी। आपको यहाँ पे वो स्पेसर लगाना है जैसा कि आपने सुपर मीटियोर में देखा था। ये देखिए सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे ये कैरेज फिट करना है। अगेन मुझे थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा भारी हो जाता है, तो अकेले बंदे से इसको मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कतमंद होता है। तो ये देखिए, और यहाँ पे अब इस बोल्ट को हम कसेंगे। पहले बोल्ट को लगा के और बोल्ट कसने के बाद फिर नीचे का कसेंगे और फिर एक बार इसको प्रॉपरली टाइट करेंगे। तो ये देखिए, अब फिलहाल ये जो है यहाँ पे होल्ड कर चुके हैं हम। फिलहाल अभी इसको सिर्फ होल्ड किया है क्योंकि अभी पहले सब पूरा एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ही टाइट करेंगे। और अब ये देखिए सेम उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी इस पत्ती के ऊपर ये दूसरा बोल्ट टाइट हो जाएगा। ये देखिए, अभी ये बोल्ट ढीले हैं यहाँ से तो ये इसलिए हिल रहे हैं, एक बार टाइट कर देंगे फिर ये बोल्ट्स नहीं हिलेंगे। तो आइए अब पहले ज़रा इन बोल्ट्स को भी टाइट करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ ये कितना मज़बूत होता है।
इस अभी फिलहाल हमने इसमें कोई भी और मेजर चेंजेस नहीं किए हैं, सिंपली ये बोल्ट्स जैसे टाइट होने थे वैसे ही हमने ये बोल्ट्स टाइट करे हैं। और ये देखो जाएगा कहीं नहीं, बट मैं जितने भी मिट्यार वाले भाई हैं उनको ज़रूर ये कहूँगा कि ये देखो एक पत्ती इतनी बड़ी है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक स्ट्रेट पत्ती है। इधर आओ गौर से दिखाता हूँ, इधर आओ, यहाँ से एक स्ट्रेट पत्ती बिल्कुल ऐसी बिल्कुल सीधी एक पत्ती यहाँ से कसेगी और एक पत्ती इसमें कस जाएगी, तो फिर ये इतना मज़बूत होल्ड हो जाएगा कि आप इसको चाहे बाइक को गिरा भी दोगे ना तो भी आप इसको हिला नहीं पाओगे। तो ये देखो दोनों तरफ लग चुके हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड फिटमेंट है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। सो गाइस बाइक में पैनियर्स लग चुके हैं, पहले देखो एक एक्सक्लूसिव सिनेमैटिक शॉट इसका, फिर हम बुलाते हैं सुमित को और उससे करेंगे पूरी बात कि ये पैनियर कब मिल जाएंगे, कितनी देर में मिल जाएंगे और कैसे मिल जाएंगे। तो पहले देखो एक सिनेमैटिक। सो गाइस फाइनली हमारे आज साथ आ चुका है सुमित एक बार फिर से। सुमित क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। पहले ये बताओ उम्मीद थी? हाँ मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि पर जुगाड़ है ना, इंडिया में जुगाड़ से सब कुछ होता है। उम्मीद थी कि इतना जबरदस्त लुक आएगा, मीटियोर को नहीं, बिल्कुल अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। मतलब हाँ, अगर ये दो पैनियर लगी बाइक्स खड़ी हो बिल्कुल, तो मीटियोर और सुपर मीटियोर में फर्क नहीं बता पाओ, बिल्कुल नहीं बता पाओगे। अब ये बताओ अवेलेबल है? हाँ मिल जाएंगे। मिल जाएंगे पक्का ना? पक्का पक्का मिल जाएंगे। तो भाइयों को अपना नंबर दे दो। ठीक है, ये आप किसी भी स्टेट में चाहिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9717262891। ठीक है, और ये अवेलेबल है रॉयल एनफील्ड ऑटो नेशन गुड़गांव। नंबर मेरा मैंने आपको बता ही दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, बट वर्किंग हॉर्स में कॉल करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। और यार आपको प्राइस वाइज हम इसलिए नहीं बताते हैं कि हाँ। ये जो हमारे मित्र हैं ना, ये फोर ब्लॉक से सब्सक्राइबर पे आजकल कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहते हैं हाँ। तो कुछ किसी को कोई गिफ्ट मिल जाता है, किसी को कुछ मिल जाता है। तो अभी मैं फिक्स प्राइस बता दूँ इसकी कि क्या है, वैसे तो देखो सबको पता है वेबसाइट पर, लेकिन आप इसे बात करोगे तो बिल्कुल कुछ ना कुछ बेटर प्राइस करके देंगे। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा हमारे साथ ये मॉड देखने में। अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी राय। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड सुमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर ब्लॉक्स फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।